वालेकुम, मैं हूँ सोनिया खान। एक नई रेसिपी के साथ रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने क्वीन ऑफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। अपनी रेसिपी की तरफ, आज हम बनाएंगे चिकन चस्का कढ़ाई। चिकन चस्का कढ़ाई के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बताती जाऊँ। आधा किलो मैंने चिकन लिया हुआ है, इसको मैंने धो लिया है, छोटे पीसेस में लिया है। दो अदद मैंने प्याज लिए हैं, एक अदद मैंने टमाटर लिए है, तीन से चार हरी मिर्चें ली हैं, काली मिर्ची ली है साबित मैंने तकरीबन 10 दाने, अदरक लहसुन पेस्ट लिए है 1 चम्मच, बड़ी इलायची ली है 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर लिए मैंने 1 चम्मच, सूखी धनिया पाउडर लिए है 1/2 चम्मच, नमक लिए है जायके के मुताबिक, हल्दी 1 चुटकी। स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। पहले कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 2 चम्मच बड़े घी डाल दिया है और इसको हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालते हैं प्याज टमाटर, सब चीज़ें हमने मिक्स इसमें डालनी है। घी में प्याज टमाटर अदरक लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च डाल दी। अब हमने इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है, 5 मिनट तक इसको पकाना है हमने। पकाने के बाद अब हम इसमें चिकन डालते हैं। मैंने इसमें डाल दिया है, अब हमने इसको तकरीबन 15 मिनट तक पकाना है। थोड़ा सा मैंने इसको कवर कर देना है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको बताते हैं। पकाने के बाद चिकन को अब हमें इसमें सारे मसाले डाल देने हैं, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और ब्लैक चिली। ये बहुत ज़बरदस्त कलर आया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तकरीबन 5 मिनट इसको मैंने इसी तरह भूनते जाना है मज़ीद, फिर इसके बाद इसको हम सर्व करेंगे। चस्का चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा शेयर कीजिए। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर गर्म मसाला पाउडर डाला हुआ है, देखिए कितना अच्छा कलर आया हुआ है।